हमने कौन सा चैप्टर चालू किया है? सीआरपीसी और आईपीसी। तो सीआरपीसी में कौन से ईयर में आया है? 1973। और इंडियन पिनल कोड कब आया है? 1860। सबसे पहले इनके ईयर याद रखो, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब आया है? 1973। और आईपीसी कब आया है? 1860। जब हमने देखा था तो आईपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है, सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। अब स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या क्या आता है? सबसे पहले इंटेंशन, प्रिपेरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। इंटेंशन में हमने पढ़ा है कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैकल्टीज। प्रिपेरेशन में हमने पढ़ा है मेजर्स, नेसेसरी मेजर्स फॉर अरेंजमेंट्स ऑफ टू डू अ कमीशन, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा है? अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में क्या है? डायरेक्ट मूवमेंट टू डू अ कमीशन। और फिर लास्ट अकम्प्लिशमेंट, जब आपका क्राइम एक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने कल पढ़े थे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। एक हमने पढ़ा था डेथ, डेथ सेंटेंस होती है जिस जो हम सबसे हार्शेस्ट पनिशमेंट होती है, ठीक है। फिर आते हैं लाइफ प्रिजमेंट और फिर इम्प्रिजमेंट और फोरफीचर ऑफ अ प्रॉपर्टी और फाइन। फाइन और पेनाल्टी में क्या डिफरेंस है? वो मेंस रिया है। फाइन जब लगता है, जब आप पनिश, फाइन इज इक्वल्स टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस। और पेनाल्टी जब आप कोई नॉन कंप्लायंस, और उसमें एक लाइन लिखी है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्टिपुलेशन, यानी कोई चीज आप पे बाइंडिंग है और आप उसका फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? आपको पेनाल्टी लगेगी। इसके रिगार्डिंग हमने कंपनी लॉ के कुछ सेक्शन देखे थे जहां पे उन्होंने क्लियरली बताया कि कहां आपको पेनाल्टी लगेगी, कहां आपको फाइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में क्या है बच्चों? मेंस रिया, एक्टस रिया, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और मेंस रिया के पॉइंट्स हैं इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। जब हम देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग उन्होंने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि कोई ह्यूमन बीइंग एक क्राइम को कमिट करेगा, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट है ऑफ क्राइम कि कोई ह्यूमन बीइंग ने ऐसा एक एक्ट किया है जो लॉ के अगेंस्ट है, जो लॉ अनलॉफुल है। उसके बाद फिर मेंजरिया। मेंजरिया में हमने क्या देखा था बच्चों? एक मैक्सिम देखा था। वो मैक्सिम याद है क्या? रुको, जिसको याद नहीं है वो याद करो। सबसे पहले एक्टस नॉन फैसिट रियम, एक्टस नॉन फैसिट रियम, और फिर निसी मेन सिट रिया, यानी एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट। उसके पीछे एक एक्शन भी होना चाहिए और गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, दैट इज मेंजरिया। मेंजरिया के तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से? इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। जो इंटेंशन है और मेंजरिया है उसका डिफरेंस क्या है नुपुर? इंटेंशन और मेंजरिया का डिफरेंस क्या है? और कोई? ये बेसिक मीनिंग है दोनों का, डिफरेंस क्या है? जब सब क्लास में बोल रहे हैं तो अपने को भी रिवाइज करना है, ठीक है। नम्रता, क्या डिफरेंस है? और वो प्रूफ हो जाता है कि वो गिल्टी माइंड है और इंटेंशन सिर्फ क्या है? इविल थॉट्स है और क्रिमिनल थॉट्स है। ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना, ठीक है, कि इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स हैं, क्रिमिनल थॉट्स हैं, इविल थॉट्स हैं, और जो मेंजरिया है वो एक गिल्टी माइंड है, उसमें भी थॉट है आपका एक एक्शन करने के पीछे, प्लस वो थॉट प्रूफ हो सकता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? मेंजरिया। दूसरा एक टाइप है मेंजरिया का, वो है नेग्लिजेंस। जो आपकी स्टैंडर्ड ड्यूटी है, जो स्टैंडर्ड केयर है, जो लॉ में डिफाइंड है, आप उसको फॉलो ना करके कुछ और कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? आप नेग्लेक्ट कर रहे हो चीजों को। और उसमें हम कवर करेंगे कि यस, आपका गिल्टी माइंड है, इवन आपने लॉ को फॉलो नहीं, आपके इंटेंशन ऐसे नहीं थे पर आपने नेग्लेक्ट किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं आपका गिल्टी माइंड है। लास्ट है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस में क्या पढ़ा था हमने?
एक वर्ड अगर मैं बोलूं तो इरिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चीज किसी की किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वो ना करके लापरवाही कर रहे हैं, तो वो रिलेक्टनेसनेस का हिंदी वर्ड लापरवाही है। तो अगर आप इरिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे आपका गिल्टी माइंड है और आपको पनिश करेंगे। उसके बाद हमने देखा था मेंसरिया के कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, मेंसरिया के कुछ एक्सेप्शंस हैं। मेंसरिया के एक्सेप्शंस बोलते हैं कि आपका गिल्टी माइंड हो या नहीं हो, हमें मतलब नहीं है, अगर आपने ऐसे एक्शंस किए हैं तो आप पनिश होगे। पहला है वेयर अ स्टैट्यूट इम्पोजेस लाइबिलिटी द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड इज इररिलेवेंट। मतलब जहां पे स्टैट्यूट ने लाइबिलिटी बोल दी है तो वहां पे गिल्टी माइंड हो नहीं हो वो बात इररिलेवेंट रहेगी, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कुछ चीजों में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डिफाइंड है कि यहां पे आपको लाइबिलिटी लगेगी, चाहे आपने सिर्फ प्रिपेरेशन की हो, चाहे आपने सिर्फ गिल्टी माइंड लाया हो, चाहे गिल्टी माइंड नहीं लाया हो, आपसे हो गया हो, या आप उस टीम का पार्ट हो, तभी भी आपके ऊपर पनिशमेंट आएगी। देखो द क्लासिकल व्यू ऑफ दैट नो मेंसरिया यानी नो क्राइम, ये हमने पढ़ा था कि भाई हर एक्शन के पीछे गिल्टी माइंड होता है तभी हम उसको क्राइम कवर करते हैं। अब लेकिन हैज लॉन्ग बीन इरोडेड एंड सेवरल लॉज इन इंडिया एंड अब्रॉड स्पेशली रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्राइम्स एंड डिपार्टमेंटल पेनल्टीज हैव क्रिएटेड सीवियर पनिशमेंट इवन व्हेन द ऑफेंसेस हैव बीन डिफाइंड टू एक्सक्लूड मेंसरिया। मतलब ऑफेंसेस में मेंसरिया नहीं था, किसी का भी गिल्टी माइंड नहीं था, किसी ने निग्लेक्ट नहीं किया, किसी ने रेकलेसनेस नहीं की, किसी ने इंटेंशन नहीं था, पर वो चीज हो गई तो भी हम बोल रहे हैं कि इसमें आपको स्ट्रिक्ट एक्शन पनिशमेंट लगेंगे, ठीक है। मेनी लॉज पास द इंटरेस्ट, अब ये क्यों किया है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए उन्होंने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी करके कॉन्सेप्ट लाया है। हमने टॉट में पढ़ा था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ, किसी को याद है, पर इन प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो या नहीं हो, उसके एजेंट ने गलती की है तो प्रिंसिपल की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, ये टॉट में हमने पढ़ा था। इसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, आपकी अगर टीम से कुछ हुआ है, आप उस जगह का पार्ट हो या आपसे ये चीज हो गई है, तो भी आपको मेंसरिया हम काउंट ही नहीं करेंगे, वो चीज इररिलेवेंट रहेगी और हम आपको पनिश करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखो, इसमें नहीं लिखे हैं क्या मालिक, दो वेजिंग वॉर कहाँ लिखे हैं, ये नीचे लिखे हैं, स्टेट लाइक वेजिंग वॉर एंड सेडिशन, यानी किसी और पर्सन को एनकरेज करना टू डू समथिंग रॉन्ग। इसमें आ जाते हैं डकैती वगैरह भी, काउंटरफीटिंग काउंट्स नोट्स कॉइन्स, वो भी इसमें कवर होगा कि आपने सिर्फ बना के देखा कि कैसा बनता है नोट, तो भी आप पनिश रहोगे, उसकी स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डिफाइंड है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, स्टैट्यूट ने इम्पोज की हुई है कोई लाइबिलिटी, वहां मेंसरिया क्या है, इररिलेवेंट है। दूसरा पॉइंट, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंसरिया एंड पेनल्टीज आर फॉर पेटी फाइन, जिसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया था, पार्किंग वाला, रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं हम, अगर रोड पे चलते चलते साइड में पार्क कर ली, उसके फिक्स फाइन है, उसमें आप बोलोगे क्या, अरे हमें पता ही नहीं था यहाँ पार्क नहीं कर सकते, बोल भी दोगे तो वो मानेंगे क्या, वो आपकी गाड़ी तो ले ही जाते हैं उठा के, कुछ ना कुछ चार्जेस तो जरूर लगेंगे आपको। तो इसमें हम मेंसरिया देखते ही नहीं है, इसमें हम देखते हैं पेटी फाइन्स है, इसमें चिक चिक मत करो, इतना फाइन लगेगा आपको भरना पड़ेगा, 2000 है, 500 है, 1000 है, जो भी आपको भरना पड़ेगा। इन सच पेटी केसेस स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इज नेसेसरी एंड प्रूविंग ऑफ मेंसरिया इज नॉट ईजी एंड अक्यूज्ड मे बी फाइंड इवन विदाउट एनी प्रूफ ऑफ मेंसरिया। मतलब उसका गिल्टी माइंड प्रूव हो नहीं हो, उसको फाइन तो भरना पड़ेगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, थर्ड पॉइंट क्या है, पब्लिक सेफ्टी यानी किसी ने पब्लिक न्यूसेंस किया है लेकिन इससे इंडिविजुअल नहीं सोसाइटी एट लार्ज डिस्टर्ब हो रही है, परेशान हो रही है, तो उसके ऊपर भी हम मेंसरिया काउंट नहीं करेंगे, हम उस चीज को इररिलेवेंट समझेंगे और उस पर एक्शन लेंगे और पेनाल्टी या फाइन पनिशमेंट सब लगेगी। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज इम्पोज वेदर अ पर्सन कॉजेज पब्लिक न्यूसेंस विद द गिल्टी माइंड और विदाउट गिल्टी माइंड ही इज पनिश्ड, एक ये एक्सेप्शन है। अब उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि पब्लिक न्यूसेंस है जिससे किसी का पीस या फिर नॉर्मल लिविंग डिस्टर्ब हो रही है, उसको पब्लिक न्यूसेंस उन्होंने बोला है। वॉयलेशन विदाउट नॉलेज, अगर आप बोल रहे हो कि आपको लॉ नहीं पता था, नीचे देखो इसमें एक और मैक्सिम है, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो वॉयलेशन विदाउट नॉलेज, अगर आप बोलोगे कि हमको पता ही नहीं था कि ये लॉ बना हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में अगर कोई अब्रॉड से आ रहा है और ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, तो अब वो बोल देगा हमें नहीं पता इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं, हमारे यहाँ तो सब अलाउड है, तो भी वो लाइबल होगा, ठीक है, वो इंडिया का रेसिडेंट हो चाहे
नहीं हो. इफ अ पर्सन वायलेट्स अ लॉ इवन विदाउट अ नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, इट कैन स्टिल बी सेड दैट ही हैज कमिटेड एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. इन सच केसेस द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ एंड हेंस डिड नॉट इंटेंड टू वायलेट इट इज नो डिफेंस. कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये बात पे हम नहीं सुनेंगे. तो बच्चों मेंस रिया के चार एक्सेप्शंस. पहला कौन सा है? स्टैट्यूट इम्पोजेज अ लाइबिलिटी एंड मेंस रिया इज इररेलेवेंट. दूसरा पेटी फाइन्स. तीसरा पब्लिक सेफ्टी यानी पब्लिक न्यूसेंस. चौथा वॉयलेशन विदाउट नॉलेज. तो अगर क्वेश्चन आता है मेंस रिया के एक्सेप्शन क्या है, थोड़ा सा मेंस रिया डिफाइन कर देना और ये चार एक्सेप्शन एज इट इज मेंशन कर देना. ठीक है. अब एक्टस रिया कल हमने पढ़ा था. एक्टस रिया का एग्जाम्पल देखो. ए बी सी कंस्पायर टू मर्डर डी एंड ओनली ए एक्चुअली शूट्स डी. प्लानिंग किसने किसने की? सी. किसको मारने की? डी को. मारा किसने लेकिन? शूट किसने किया? ए ने. देन ए बी सी वुड हेल लाइबल फॉर इट. अ पर्सन हु ऑल्सो बी हेल लाइबल फुली रिस्पॉन्सिबल ही हैज मेड यूज ऑफ एन इनोसेंट एजेंट टू कमिट अ क्राइम. ठीक है. तो उसके वो एजेंट्स थे, ढूंढ ढूंढ के लड़ते, सबको पनिशमेंट होगी. तो हमें प्रैक्टिकली भी पता है. अब नया टॉपिक है कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल. कभी ये वर्ड सुने? कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं सुने. और किसी ने? नहीं सुने. ठीक है. किसी ने नहीं सुने ऐसा. ठीक है. अब कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल. बेलेबल और नॉन बेलेबल सुना है? व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? जिसमें बेल हो जाती है. मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिसमें अगर आप बेल के लिए अप्लाई करो तो आपको बेल हो जाएगी. क्या नॉन बेलेबल में बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द कोर्ट. ठीक है. तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि अगर आपके घर से कोई आ रहा है कि अरे छोड़ दो, इतना पैसा भर दो और साइन वाइन कर देते हैं वो लोग, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल नहीं मिलती. आपको कोर्ट को अप्लाई करना पड़ता है कि इस ऑफेंस के लिए हमको बेल चाहिए. फिर कोर्ट को अगर लगता है कि ठीक है इसको बेल दे देते हैं, फिर हम मीनवाइल पूरा केस सुनेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि उसको कितनी इंप्रिजनमेंट और कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए. पहले पेज खोल लो. बोलते भी नहीं हो कि मैम दो मिनट पेज खोल लें. डन. जब हम बेलेबल और नॉन बेलेबल समझ रहे हैं तो बेलेबल ऑफेंस में आपके घर से कोई भी आके आपको बेल करवा सकता है, आपको जेल से छुड़वा सकता है. लेकिन नॉन बेलेबल में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? कोर्ट का. कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हो गया है इस तरीके से, विथ रीजन एक एफिडेविट्स वगैरह देके आपको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. इफ कोर्ट को रीजनेबल लगता है, सफिशियंट लगता है, तो वो आपको कुछ टाइम के लिए बेल दे सकते हैं और फिर प्रॉपर हियरिंग होती है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि उसकी एक्चुअल पनिशमेंट क्या होनी चाहिए या वो पनिश होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. वो टोटली डिपेंड करता है हमारे जजेस पे. अब ऐसे ही आ जाते हैं कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस. वारंट पता है? अच्छा, वारंट लेके आते हैं पुलिस ऑफिसर ऐसे, सर आपके लिए अरेस्ट वारंट, ये पता है सबको. ठीक है. वारंट कौन देता है? कोर्ट देता है. ठीक है. कोर्ट से आपको वारंट मिलता है कि इस पर्सन को जाके अरेस्ट करके आना है. तो जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है उसमें देखो कैसे लिखा है. मीन्स एन ऑफेंस ऑफ विच कॉग्निजिबल केसेस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग अरेस्ट विदाउट वारंट. मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस हो गए? सीरियस. ठीक है. उसके लिए आपको क्या बोल रहा है वो? वारंट लेके, बिना वारंट के आप अरेस्ट हो जाओगे. क्या इसके लिए वारंट लगेगा? नहीं. ये सीरियस ऑफेंसेस है. पहले कॉग्निजिबल ऑफेंस के आगे लिख दो सीरियस ऑफेंसेस. मोर सीरियस लिख दो, सिर्फ मोर सीरियस लिख दो. ठीक है. तो कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से हो गए? जो बहुत सीरियस हो और विदाउट वारंट आप अरेस्ट हो जाते हो. नॉन कॉग्निजिबल फिर क्या होंगे? लेस सीरियस होंगे और आपको अरेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? वारंट चाहिए. मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजिबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. तो जो मैंने पॉइंट अंडरलाइन किया है पहले तो वो अंडरलाइन कर लो. दोनों में लिखा है अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट. इसमें लिखा हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. मतलब नॉन कॉग्निजिबल के लिए आपको क्या लगेगा? वारंट लगेगा.
कि नॉन कॉग्निजेबल में तो वारंट में जस्टिफिकेशन लिखें कि क्यों आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। वारंट में लिखा है ना क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, रीजंस, और कोर्ट ने बोला है। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, पुलिस को भी लॉ का नॉलेज है, वो ऐसे विदाउट वारंट किसी के भी घर नहीं घुसेगी। In order to be cognizable cases, it would be enough if one or more not ordinarily all of the offences are cognizable. देखो नीचे difference बताया cognizable और non cognizable का। सबसे पहले warrant is necessary किस केस में? Cognizable offences. Non cognizable warrant is not necessary. Nature of offence. Nature of offence is serious. कौन से केसेस में? Cognizable cases में, और non cognizable में not much serious. Information of cases, generally information relating to cognizable of, हाँ तो कहाँ लिखा है ना cognizable में necessary है ना, हाँ तो okay. ये बस एक पॉइंट ना, मुझे लगा पूरा ही उल्टा लिखा है तुम लोगों। ठीक है, ठीक है। अब नेचर ऑफ ऑफेंस इज सीरियस किस केस में? कॉग्निजेबल। नॉट मच सीरियस किस केस में? तुमको क्या लगता है कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंसेस कवर करेगा? सीवियर मर्डर और डकैती। तो इन सब के लिए वारंट की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, और नॉन सीवियर केसेस कौन से हो गए? रूल तोड़ देना, थ्रेटन कर देना, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के अंदर होते हैं, किसी के पेमेंट नहीं किए, आपको कोर्ट बुला रहे हैं, आप नहीं आ रहे हो, तो उसके लिए आपको वारंट लगेगा। ठीक है, जनरली इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस शुड बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट इज गिवन orally. तो अब पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच के वो पढ़ के फिर उसको लेके जाना। अब इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एन ऑफर शुड बी साइन बाय पर्सन गिविंग इट। द सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन शुड बी एंटर्ड इन द बुक टू बी केप्ट बाय द ऑफिसर एंड रेफर इन्फॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग विदाउट द ऑर्डर ऑफ कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। तो जब आपके पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि वो इतना सीरियस नहीं है, तो आप गए हो विथ वारंट, आपने उनको वारंट दिया है, उन्होंने रीड आउट किया है, जो भी वो समझे हैं उस चीज को कि ठीक है हमको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं ये लोग, और ये वारंट आया है कोर्ट से, प्लस उसका इन्वेस्टिगेशन भी, जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा पुलिस ऑफिसर्स उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत जगह पुलिस ऑफिसर्स हमने मूवीज में देखा है कि अरे अभी हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, और पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब वो पुलिस की वर्दी वगैरह में नहीं होते, तो उनको कोर्ट की परमिशन नहीं है, इसलिए वो वैसे काम कर लेते हैं। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अब आप उसको उठा के जा रहे हो, ऐसे नहीं उठा सकते। आप उसके सामने रीड आउट करो कि आपसे ये मिस्टेक हुई है, आपने ये ऑफेंस किया हुआ है, इसके लिए हम आपको लेके जा रहे हैं। कोई वारंट नहीं है, पर एक ऑर्डर है जिसकी वजह से आप उनको उठा रहे हो। आप उनको कुछ भी टाइम वाइम नहीं दोगे, सीधे गए उनको बताना, ऑफकोर्स आप क्यों आए हो बताना तो पड़ेगा ही फैमिली को, और फिर लेके जाओ पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन में जाके रीड आउट करो कि वो किस ऑफेंस के लिए वहां पे बांधे गए हैं जेल के अंदर। ठीक है, अब एग्जांपल्स है राइटिंग, रेटिंग, मर्डर, बीइंग अ ठग, वॉलेंटरली कॉज अ ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब हमने एक बार पढ़ा है, ग्रीवियस हर्ट यानी जिसका कोई ना कोई बॉडी का एक पार्ट हो, डेथ हो गई हो, ऐसे आपने किसी को हर्ट किया हो, परमानेंटली डिसेबल किसी को किया हो। अब गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज अ नॉन सीरियस ऑफेंस, इसके लिए आपको क्या होगा? वारंट लगेगा। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्रिटेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन एनी स्टेज और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जज की इंसल्ट कर दी, कोई नेता वगैरह बैठे हैं स्टेज पे उसकी इंसल्ट कर दी, तो इसके लिए आपको हम क्या देंगे? वारंट देंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। वारंटली कॉजिंग हर्ट, तो यहाँ ग्रीवियस हर्ट नहीं लिखा है। असॉल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, ये सब क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके लिए आपको क्या लगेगा? वारंट लगेगा। अब
सबको समझ आ गया कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। तो वो बेसिकली आपसे डिफरेंस मार्क कर लो, पूछ सकते हैं कि कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले ही आप मीनिंग बता दोगे उनका कि कौन सा सीरियस है, कौन सा लेस सीरियस है, फिर किसमें वारंट की जरूरत है, किसमें नहीं है, किसमें इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, किसमें इंफॉर्मेशन रीड आउट करने की जरूरत है, और क्या एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये मैं दे दूंगी, मुझे तुम लोगों को वो भी भेजना है सोर्स ऑफ लॉ के नोट्स। ठीक है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड तुम लोग रिवाइज कर ही नहीं रहे हो, इसलिए मांगते ही नहीं हो। चलो, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। बच्चों एक बात बताओ, अभी तक तुम लोगों को कितने कोड्स के नाम पता है? ऐसे कि सिविल कोड पता है सबको, अभी तक हमने पढ़ लिया, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये पता है। ठीक है, क्रिमिनल कोड्स को ना कुछ क्लासेस में डिफाइन किया, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो सब सिविल के वहां पे सुना हुआ, इसलिए हमें वो चीजें पता है। क्रिमिनल कोड्स को उन्होंने कुछ क्लास में डिफाइन किया, ये सारे क्लासेस को हाई कोर्ट ने ही अपॉइंट किया है, इनका डिफाइन भी सब सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट ही रहते हैं। देखो, उन्होंने स्टेज बनाई हुई है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है, उसके बाद उन्होंने सबसे ऊपर कौन सा बनाया है, हाई कोर्ट। अब सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपोलियन एरिया और मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, इसका मतलब मैं बताती हूँ, फिर कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट। सबको पता है हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे आता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन हर स्टेट में होता है, ठीक है, हर स्टेट में होता है कोर्ट ऑफ सेशन, ये सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट होता है। इधर पे जो जज बैठे हुए हैं, इधर पे जो भी मेंबर्स होंगे, टेक्निकल मेंबर्स, बेंच मेंबर्स, वो सब कौन अपॉइंट कर रहा है, हमारे हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी खुद से कुछ किसी को अपॉइंट करती है तो विद द कंसल्टेशन, विद द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट ही वो अपॉइंट करेगी। इसका सेक्शन 9 और 10 है सीआरपीसी। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है, अभी हम रीड करेंगे कि ये कौन सी वाली पनिशमेंट हमको दे सकते हैं। तो वो कोई भी सेंटेंस हो, कोई डेथ सेंटेंस हो, किसी भी लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, कि नॉर्मल इंप्रिजनमेंट हो, 7 इयर्स का इंप्रिजनमेंट हो, 3 इयर्स का हो, 5 इयर्स का, ये सब हम, और कितने अमाउंट का फाइन ये लोग दे सकते हैं वो भी हम आगे नीचे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हो गए हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन आ गए, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कहां के हैं, स्टेट के। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, और उसके बाद एंड लिखा है, तो समझो सबसे पहले आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, ठीक है। और ये वर्ड जो लिखा है ना, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, यानी मेट्रो सिटीज के लिए, ठीक है। अब उनके लिए हमने अपॉइंट किए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपोलियन एरिया, तो उनको हम बोलते हैं मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। उनके भी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास डिफाइंड होते हैं। फिर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ये भी डिस्ट्रिक्ट के ही है, ये सब भी हाई कोर्ट से अपॉइंट होते हैं। और लास्ट उन्होंने बता दिया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो कोर्ट ऑफ सेशंस मतलब सबसे पहले हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस, फिर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। जब फर्स्ट क्लास और हम सेकेंड क्लास पढ़ रहे हैं, सेम चीज हम मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट्स के लिए भी है। अब पावर ऑफ द कोर्ट्स, पार ऑफ विच द ऑफेंस ट्राइबल, ये बच्चों जो अभी हम क्लासेस ऑफ कोर्ट्स वाले चीज पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद इसकी पार है, और कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस ट्राइबल, ट्राइबल यानी जो ज्यूरिसडिक्शन है, और कुछ ट्राइबल में ना बच्चों क्रिमिनल कोर्ट, हाँ, उस कोर्ट में जो प्रोसीड हो सकता है, मतलब कि कितना, जो मैं बोल रही हूँ ना, कितनी सेंटेंस वो दे सकते हैं, कितना इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, किस तरीके का वो कोर्ट में एक केस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायल मतलब प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं। तो अब जब हमने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ लिया, तो ये है, अब वो कोर्ट्स की क्या पार्स है वो हम देखेंगे, कि अगर हाई कोर्ट है तो वो कितना जजमेंट, कितना अमाउंट का दे सकता है, उसके पास तो कोई लिमिट ही नहीं, इनहेरेंट पार है ना हमारे हाई कोर्ट के पास। फिर आते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशंस कितनी सेंटेंस, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं कि नहीं, कि सिर्फ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। फिर ऐसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव, ये कभी मत भूलना, ठीक है। बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, तुम्हें पता होना चाहिए कि देयर आर क्लासेस, कभी कोई बोल दे कि मैं तो मैजिस्ट्रेट बन गया हूं, तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, अच्छा फर्स्ट क्लास, अच्छा सेकंड क्लास, अच्छा एग्जीक्यूटिव बने हो क्या। तो ये तुम्हारा नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी तुम्हारा फ्रेंड अगर जज बनता है या जजेस के एग्जाम्स देते हैं वो, तो
कौन से क्लास के लिए वो अपियर हो रहे हैं या किस पोजीशन में। तो तुम सोचो अगर कोई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को तुम उसको अप्रिशिएट करोगे, अरे तुम तो बहुत बड़े जज बन गए, तुम तो इतनी वाली ट्रायल हैंडल कर सकते हो। कैसे ट्रायल हैंडल कर सकते हैं? सेक्शन 26 में उन्होंने बताया एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी और ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। आईपीसी में आते हैं हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस और एनी अदर कोर्ट विद सच ऑफेंसेस शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल, जो अभी हमने पढ़ा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ठीक है। और हाई कोर्ट और इसमें कोर्ट ऑफ सेशंस नहीं आते। तो कोर्ट ऑफ सेशंस सिर्फ कहां आ रहे हैं बच्चों? आईपीसी के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे क्रिमिनल सेक्शंस हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस के सेक्शंस हैं, वो कहां डिफाइंड है? आईपीसी में। तो आईपीसी में कोर्ट ऑफ सेशंस कवर होते हैं। अब ट्रायल उन्होंने फिर अपना क्रिमिनल प्रोसीजर के भी अंदर यही बता दिया, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, जो हमने ऊपर अभी देखा। तीन, पार ऑफ कोर्ट्स टू पार्ट सेंटेंस। इसको पढ़ने से पहले ना ये थोड़ा सा है, एक बार नीचे टेबल देखो, दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, ठीक है, स्क्रीन पे देखो सब। सेंटेंस पार ऑफ डिफरेंट कोर्ट। सेंटेंस मतलब कितनी सजा, सेंटेंस जेल, ठीक है, सबको समझा? सेंटेंस यानी जेल, सेंटेंस यानी इंग्लिश सेंटेंस नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट कितने भी टाइम की आपको जेल वगैरह पनिशमेंट वगैरह दे सकते हैं। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ अंडर सेक्शन 28(1) ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में हाई कोर्ट को अलग से इनहेरेंट पावर दे दी है कि वो कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। अब सेशन जज और उसके ही एक एडिशनल जज होते हैं, ठीक है, हम इसके असिस्टेंट भी देखेंगे। देखो असिस्टेंट सेशन जज लिखे हैं जो इनको असिस्ट करते हैं। तो जो ऊपर है कोर्ट ऑफ सेशन, उनको, उनके जज को हम क्या बोलते हैं? सेशन जज। और उनके साथ कई बार एडिशनल जजेस भी होते हैं, ये दे सकते हैं एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ दैट पास बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। मतलब ये डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन किसका कंफर्मेशन आएगा? हाई कोर्ट का। तो अगर हमारा कोई फ्रेंड सेशन जज बनता है या एडिशनल सेशन जज बनता है तो वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, बस डेथ सेंटेंस के लिए उसको किसका कंफर्मेशन लेना है? हाई कोर्ट का। फिर आ जाते हैं हमारे असिस्टेंट सेशन जज। एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, और ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तो हमेशा जिंदगी भर की जेल भी ये नहीं दे सकते, और ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years, मतलब सब दे सकते हैं लेकिन 10 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस ये वो नहीं दे सकते। मतलब वो इंप्रिजनमेंट अगर किसी को दे रहे हैं तो 10 साल की कम की देंगे, कोई फाइन डिफाइन अभी नहीं है। तो असिस्टेंट सेशन जज वो कौन है? जो हमारे सेशन जज है उसके असिस्टेंट है। तो इनको भी बोल दिया एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 years। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, जब हम देख रहे थे मैजिस्ट्रेट फिर मैं उसके साथ बोल रही थी कि मेट्रोपोलियन भी मैजिस्ट्रेट, ये मेट्रो एरियाज के हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट टर्म एक्सीडिंग 7 years। तो अब जो चीफ जुडिशियल है वो उससे और छोटे हो गए, तो अभी ऊपर वाला कहां तक दे सकता था? 10 से नीचे, और ये वाला 7 साल से नीचे। ये कौन है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। फिर आ जाते हैं हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर उसी को हम बोलते हैं मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। देखो कॉमा लगा है, ठीक है। एनी सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 3 years और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000। तो अब अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड क्या बन रहा है? फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट बन रहा है, तो वो कितने टाइम की इंप्रिजनमेंट दे सकता है? 3 साल की, और फाइन भी कितना लगा सकता है? 10,000। तो तुम उसको बोलोगे अरे फर्स्ट क्लास बस 3 साल की जेल देगा, बस 10,000 चार्ज करेगा, सेशन कोर्ट सेशन जज बन जा, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ये और छोटे हो गए, ये दे सकते हैं एनी सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year। ऊपर वाला कितने साल तक दे सकता था? 3 साल, ये 1 year, नॉट एक्सीडिंग 5,000। ऊपर वाला कितना फाइन लगा सकता था? मैक्सिमम 10, और ये 5,000। तो सेकेंड क्लास वाले हो गए। और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये भी उन्होंने क्रिएट किए हैं स्पेशल, एनी सेंटेंस फॉर अ टर्म एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग
3 फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 और बोथ एनी सेंटेंस ऑफ टर्म, वो दोनों कवर करते हैं 1 ईयर और 5,000, मतलब वो 3 साल की भी जेल दे सकते हैं और 1 स्पेशल उन्होंने इसलिए बनाया कि जब भी कोई कंपेरेटिवली बाकी जजेस मैजिस्ट्रेट्स अवेलेबल नहीं हो या कुछ स्पेशल केसेस हो, स्पेशल ऑफेंसेस हो, उसके लिए उन्होंने एक टर्म सीआरपीसी में डिफाइन की है स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स, तो उसके लिए भी हमने क्रिएट किया और उनको हमने भी पार के अंडर दे दिया कि भैया 3 साल की दे सकते हो, 1 साल की दे सकते हो और 5,000 का फाइन चार्ज कर सकते हो। अब नीचे आओ, अब जब ये पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी होगा पढ़ने का। बंद कर दूं, ज्यादा कर दूं, ठीक है? चलो, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। अभी पढ़ा हाई कोर्ट कितने सेंटेंस दे सकते हैं, 28 में दिया है, और एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 28(1) ऑफ सीआरपीसी। 28(1) है बच्चे, 1 है, ठीक है? अब जो सेशन जज थे वो कौन सी दे सकते थे, सेशन जज उनके एडिशनल जजेस थे, डेथ की नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं, और नहीं, नहीं मजा आ रही है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, बताओ ना आंसर। लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं, और 10 years, 10 साल से ज्यादा के सेशन जज हमको कोई भी इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय एनी सच जज शैल बी कंफर्मेशन टू हाई कोर्ट। वो जो हम डेथ सेंटेंस और वो पढ़ रहे थे वो असिस्टेंट वाले के लिए है, ठीक है? एक बार फिर से समझ लो इसको। सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट, एनी सेंटेंस, हाई कोर्ट एनी सेंटेंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 28(1) ऑफ सीआरपीसी, सेशन जज और एडिशनल एनी सेंटेंस, अगर डेथ सेंटेंस देनी है तो कंफर्मेशन किससे लेना है, हाई कोर्ट से, असिस्टेंट सेशन जज है तो फिर एनी सेंटेंस एक्सेप्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस और 10 years, the term exceeding 10 years वाला imprisonment नहीं दे सकते। Chief Judicial Magistrate और Chief Metropolitan Magistrate, उससे नीचे आ गए, ये कौन से fine और वो दे सकते हैं, 7 साल से ज्यादा imprisonment नहीं दे सकते, बाकी any sentence। फिर Judicial Magistrate of First Class और Metropolitan Magistrate not exceeding the term 3 years और fine not exceeding 10,000। फिर हमारे आगे Judicial Magistrate of Second Class 1 year का not exceeding imprisonment 1 year और fine not exceeding 5,000। ऐसी special judicial magistrate तो 1 year, 3 year, 5,000, 5,000, ठीक है? और both। अब जब हम पढ़ रहे थे assistant session judge, तो मैं pass a sentence authorized by law except a sentence of death, imprisonment for life, imprisonment term exceeding 10 years। उसके बाद session sentences with magistrate में pass, magistrate में हमने बहुत सारे देखे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। तो इसमें बताया, सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताया, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर फर्स्ट क्लास बताया, फिर सेकंड क्लास बताया और चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 29 में बताया, 28 में किसका बताया है, हाई कोर्ट और सेशन जज और असिस्टेंट जज। अब जब हम 29 सेक्शन देख रहे हैं तो उनमें मैजिस्ट्रेट का बताया, तो मैजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। तो जो हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो पास कर सकते हैं एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 years। 10 years वाला बस असिस्टेंट सेशन जज में था, ठीक है? ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये दे सकते हैं इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन 10,000। ऐसे ही सेकेंड क्लास, इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000। और बच्चे हर जगह बोथ लिखा है वो मत भूलना, ठीक है? दोनों दे सकते हैं, किसी को जेल भी बोल सकते हैं और बोलते हैं 5,000 जमा करो, 10,000 जमा करो और 3 साल के लिए जेल जाओ, ठीक है? 3 से कम की भी दे सकते हैं, 10,000 से कम की भी दे सकते हैं। हम वर्ड पढ़ रहे हैं नॉट एक्सीडिंग, तो इंटरप्रिटेशन में गलती नहीं, किसी को भी कंफ्यूजन हो कि डिटेल में बता दो, मैं डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है?
A chief metropolitan magistrate shall have the powers of the court of chief judicial magistrate and of a metropolitan magistrate the power of court of magistrate of first class. जब हम पढ़ रहे थे chief judicial magistrate उसके साथ common metropolitan लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पे लिखा था chief judicial magistrate और chief metropolitan magistrate दोनों की same power है, तो वो last point में वही बता रहे हैं कि जो first point है ना वही इसका point है, ठीक है। अब एक होता है सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। मैंने कल ऐसी बातों बातों में तुम लोगों को बताया था कि अगर कोई फाइन नहीं भर सकता तो उसको जेल ले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी लॉ में डिफाइन तो करेंगे ना कि कितनी जेल, कितना फाइन, कैसे, मतलब क्या जिंदगी भर के लिए जेल चले जाएंगे हम, नहीं। व्हेन अ फाइन इज इम्पोज्ड ऑन एन अक्यूज्ड एंड इट इज नॉट पेड, तो आपको फाइन चार्ज हुआ है और आपने नहीं पेमेंट की है। द लॉ प्रोवाइड दैट ही कैन बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एडिशनल टू सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड टू हिम। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक ऑफेंस किया, आपको एक साल की जेल हुई और बोला 5,000 रुपए फाइन भरना है, ठीक है। अब आपने एक साल की जेल तो मान ली, वो 5,000 आप जमा नहीं कर रहे हो, तो सब्सटेंटिव उसके साथ एडिशन होके आपको कुछ और अमाउंट, कुछ और टाइम के लिए भी जेल होगी फॉर दैट फाइन। तो एक साल की तो पक्की है, प्लस 5,000 के लिए आपको कुछ और जेल भी, कुछ टाइम और जेल भी रहना पड़ेगा। इफ एनी सेक्शन 30 डिफाइंस लिमिट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट पास टू अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब पेमेंट, अब तो मैजिस्ट्रेट हो, फाइन नहीं भर रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी जेल दे दोगे, तो वहां पे हमने आपकी पावर को थोड़ा लिमिट किया हुआ है। इट प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन ऑफ ऑथराइज्ड बाय लॉ इन टर्म नॉट इन इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। सबसे पहले तो आपको जो 7 साल, 3 साल, 1 साल की जो पावर मिली है उससे ऊपर तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। आपकी पार वहां तक है, उससे ऊपर तो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। दूसरा, वेयर द इम्प्रिजनमेंट एंड वर्ड लिखा है, ठीक है, और नहीं लिखा है। वेयर द इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस इट शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये कोर्ट वहां पर कैलकुलेट करेंगे कि जितना अमाउंट है और जितना इम्प्रिजनमेंट है, तो अमाउंट आपने पे नहीं किया है उसके हिसाब से 1/4 ऑफ द term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than an imprisonment in default of payment of fine। मतलब एक साल की जेल तो आपको हो ही गई, दूसरा 5,000 का पेमेंट करना था वो आपने नहीं किया, तो वो मैजिस्ट्रेट जितनी एक पार रखता है आपको पनिश करने का, उसका 1/4 का इंप्रिजनमेंट एक्स्ट्रा आपको बोल देगा, उसका कम का भी बोल सकता है, पर इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आपने पेमेंट नहीं की, उसके बाद 1/4 ऑफ द पार ऑफ द मैजिस्ट्रेट का आपको इंप्रिजनमेंट होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये कब आ गया, जब सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ फाइन होता है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि अगर, हाँ, अगर एक पर्सन है जिसने 3-4 ऑफेंसेस किए हैं, ठीक है, किसी में उसको 7 साल जेल है, किसी में 3 साल है, किसी में 1 साल है, अब क्या होगा, कंपाउंडिंग होगी, हमेशा होगी, ऑफेंसेस बड़े बड़े हो, सीरियस हो, तो फिर कैसे होगा, 3 साल के बाद सबको ऐड कर देंगे, मतलब वो पहले 7 साल जाएगा, फिर 3 साल जाएगा और फिर 1 साल के लिए भी जेल जाएगा। बहुत अच्छी जज हो यार कि तुम्हें 7 साल है, 3 साल है, 1 साल है, 7 में से पहले 3 कट, बचे कितने 4, 4 में से 1 कट, बचे कितने 3, अब आप 3 साल के लिए जेल जाएंगे बस। तो मतलब ऐड करना है, 7 है तो पहले 7 साल के लिए जाओ फिर 3 साल के लिए जाओ, तो वही हुआ गया ना, निकालेंगे ही नहीं ना, 7 साल हो गए, अभी 3 साल और बचे हैं, फिर 1 साल और बचे। अच्छा किसी ने बोला हाईएस्ट जो होगी वो मिल जाएगी, किसने बोला, पलक ने, जो 7 साल है तो तुम सिर्फ 7 साल जाओ, बाकी ऑफेंस तो कोई मतलब नहीं है, तो वो सोचेगा ठीक है, अच्छा सबसे हाईएस्ट ऑफेंस मैंने ये किया है, बाहर आ गए 7 साल के बाद, तो जो सबसे हाईएस्ट है 3 साल वाला वो कर लेता हूं अब मैं, तो वो कैसे सबक सीखेगा। उसने 3 बड़े बड़े ऑफेंस किए हैं जिसमें जज के हिसाब से, सपोज तीनों में 7 साल की जेल होती होगी, ठीक है, जज के हिसाब से उसके एक ऑफेंस की बोली यार ये तो 3 साल के लिए जाएगा ही जाएगा, एक के लिए बोले ये 1 साल के लिए जाएगा, और ये वाले के लिए आप 5 साल के लिए जाओगे, अब टोटल होंगे, ठीक है। देखो अगर आपने 4 ऑफेंस किए, 5 के 3 के, जो आप पे एप्ट पनिशमेंट बैठती है वो तो बैठेगी ही, टोटल है
तो टोटल जेल जाओ। अब इसको कम ज्यादा करना है, जो आपने कंपाउंडिंग वर्ड यूज किया है वो भी होता है। कई बार कोर्ट को लगता है कि इतनी पनिशमेंट है और ऐसे ऑफेंसेस हैं, तो कोर्ट चाहे तो उस पनिशमेंट को रिड्यूस करके बोल देगा, इसका इन ऑल टोटल बनता है इतना, आप इतना कर लो, मतलब डिस्काउंटिंग पनिशमेंट आपको मिल जाएगी। या फिर जज को अगर लगेगा कि नहीं, इसको सबक सीखना है, ये इसी पनिशमेंट के केपेबल है, तो 7 साल 3 साल 1 साल 5 साल जितनी है उतना उतना पीरियड 1 by 1 आप कवर करोगे। ठीक है, तो अब एक पॉइंट है, सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, एक कोर्ट में आपने इतने ऑफेंसेस किए कि उस ट्रायल में आपकी इतनी सारी पनिशमेंट्स डिक्लेयर हो रही हैं। सेक्शन 31 बोलता है, ये रिलेट्स टू क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज ऑथराइज टू इम्पोज वेयर अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड ऑफ टू और मोर ऑफेंसेस एट one trial. Under this section, the court may subject to the provision of section 71, limit of punishment of offense made up for several offenses of the Indian Penal Code, the sentence of several punishment prescribed which the court is competent to inflict. मतलब court जितना चाहता है, court की जितनी power है, उस हिसाब से वो जितना inflict करना चाहे होगा। अच्छा, ये IPC में बोल दिया है limit of the punishment। IPC में हम देखेंगे शायद 14 years है द मैक्सिमम पनिशमेंट, अगर सेवरल आपके ऑफेंसेस होते हैं तो आप 14 इयर्स तक तो उसको जेल में बिठा सकते हो। सच पनिशमेंट व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस दैट वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर इन सच ऑर्डर एज मे कोर्ट डायरेक्ट, इसका मतलब है जब एक पनिशमेंट खत्म होगी तो दूसरी चालू होगी, तीसरी चालू होगी, ऐसा कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली, यानी कि फिर कोर्ट बोल सकता है कि एक साथ मैं बता दे रहा हूं कि आप एक साथ 5 साल के लिए जेल चले जाओ, बाकी सब हटा दो, नहीं तो क्या होगा, एक के एक्सपायरेशन के बाद दूसरी, दूसरी एक्सपायरेशन के बाद तीसरी। ठीक है, अब बच्चों हमने पढ़ा सबसे पहले क्लासेस ऑफ कोर्ट, वो मत भूलना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, सबसे पहले आते हैं हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सेशंस, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एट एनी मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, दोनों कवर हो गए, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये क्या हो गया हमारे बच्चों, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट, इंडिविजुअली कल मैंने पूछा तो बनेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को कवर करता है और एनी फर्स्ट शेड्यूल के कोर्ट्स को। जब हम पढ़ रहे हैं इन्हीं की पार कि ये लोग जो हमने डिफाइन किया हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ये लोग कितने सेंटेंसेस और कितने फाइन लगा सकते हैं हम पे, तो जब हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, हाई कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय सेक्शन 28(1) ऑफ सीआरपीसी। 26 से 35 सेक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे हम, ठीक है, 31 तक आ गए हैं कि 31 में हमको जितने सेक्शंस हैं हम बुक में उतने ही देखेंगे। 31 में हमको दे दिया था सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है, उसके बाद सेशन जज और एडिशनल, तो हाई कोर्ट, सेशन जज और एडिशनल जज, ये कहां पे, सेक्शन 28 में उन्होंने कवर किया हुआ है। तो सेक्शन 28 में उन्होंने बोला है सब दे सकते हैं ये लोग, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस देना है तो किसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट का। ये लोग कौन है, सेशन और एडिशनल जज, इसके नीचे कौन आते हैं, असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज कौन होते हैं, मतलब इन लोग कितने, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, तो हमें बोलना क्या है, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 10 years, एक्सीडिंग 10 years नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और उसी के साथ आ गए चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, अब ये दे सकते हैं एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 years, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे बच्चों चीफ लिखा है, यहाँ पे चीफ नहीं लिखा है, और फर्स्ट क्लास है और सिर्फ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, ये लोग दे सकते हैं एनी सेंटेंस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और कितना फाइन और बोथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year और फाइन 5,000 और बोथ, और फिर हमारे को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जो 1 year और 3 year का भी आपको पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 5,000 का फाइन या फिर बोथ।
इसको एक बार रीड करना, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, कुछ नहीं बस रीड कर देना कि एक्सप्लेन क्या हुआ है कि हाई कोर्ट को तो इनहेरेंट पावर दी हुई है काफी सारे सेक्शंस में कि भाई उनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है और ये सारे कोर्ट्स उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं तो वो जो बोलेंगे इन लोग फॉलो करेंगे। अब अरेस्ट ऑफ पर्संस, अरेस्ट ऑफ पर्संस मतलब बच्चों जो बंदा अरेस्ट हो रहा है, और गलत गलत कैसे अरेस्ट होते हैं, कौन से ऑफेंस में अभी हमने पढ़ा अरेस्ट हो जाते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। यहाँ पे हमको बताया है उन्होंने सबसे पहले द वर्ड अरेस्ट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी। तो अरेस्ट का मतलब क्या है, हम उसको अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, किसकी कस्टडी में, ऑफ अनदर पर्सन अंडर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ। तो ऐसा नहीं लिख के आना कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, कस्टडी ऑफ एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड एंड एम्पावर्ड अंडर एनी law for the purpose of holding or detaining him to answer criminal charge and preventing the commission of criminal offense। तो जो authorized person है उसका काम क्या है, इस person को hold करे, पकड़े, detain करे, उससे question करे कि उसने ये criminal offense कैसे किया, कहाँ किया, और आगे criminal offense नहीं हो इस चीज के लिए उनको authorized किया। तो basically preventing of क्रिमिनल ऑफेंस। तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन हु इज एम्पावर्ड अंडर एनी लॉ, उसको ये चीज की अथॉरिटी है। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग और डिटेनिंग हिम टू आंसर क्रिमिनल चार्ज। अब उसको जो हमने पकड़ा है उसको हम अपनी कस्टडी में लाए हैं, उसको हम डिटेन कर रहे हैं मतलब जेल के अंदर डाल रहे हैं, क्यों, ताकि वो क्रिमिनल चार्ज के लिए आंसरेबल हो और ऐसे और क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो, इसलिए हम प्रिवेंट कर रहे हैं। तो जेल जाने से डरते हैं हम, ठीक है। अब सेक्शन 141 एनुमरेट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ केसेस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। अभी हमने पढ़ा कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसमें क्या होता है बच्चों, बिना वारंट के आप अरेस्ट हो जाते हो। इन्हीं यही सारे पॉइंट्स को हम शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। जब तुमसे पूछा जाएगा अरेस्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मीनिंग बता दिया है, उसके बाद उन्होंने बोला है अरेस्ट विदाउट वारंट के पॉइंट्स, तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 8 to 10 याद होने चाहिए, हो सकता है हम सारे याद ना कर पाए या लिखते टाइम हमें सारे याद ना आए, अगर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे तो हमें सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, हम सब कवर कर लेंगे फिर, ठीक है। चलो सबसे पहला है, एज पर सेक्शन 41 एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इन फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले हमें पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब आपने कोई सीरियस ऑफेंसेस किए हैं तो बिना वारंट के आप अरेस्ट हो जाओगे। अरेस्ट यानी टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन। ऑफेंसेस ऑफ हाउस ब्रेकिंग विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। हाउस ब्रेकिंग यानी घर तोड़ देना, घर तोड़ के किसी के घुस जाना, इसके लिए आपको विदाउट वारंट क्या होगा, अरेस्ट हो जाओगे। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब विजय माल्या, पता है ऑफेंस करके भाग गया, भगोड़ा बोल रही हाँ, अब वो भाग गया है, मतलब जिसको भी दिखेगा वो प्रोक्लेम्ड डिफाइंड ऑफेंडर है। एलियन एनिमी, वॉर चल रहा है हमारी कंट्री में, आएंगे हम पकड़ लेंगे, कस्टडी में ले लेंगे उनको, ठीक है, ये हो गए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो डिफाइंड है ऑफेंडर है। उसके बाद ऑफेंडर ऑफ स्टीलिंग प्रॉपर्टी, अगर किसी की प्रॉपर्टी आपने स्टील कर ली है तो फिर क्या है, विदाउट वारंट आप अरेस्ट हो सकते हो। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटीज का मतलब क्या है, पुलिस ऑफिसर को क्या कर रहे हो आप लोग, रोक रहे हो। अब पुलिस ऑफिसर बोल रहे चल चल पुलिस स्टेशन, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ऐसे करोगे तो आपको वो अरेस्ट करेंगे ही। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर की अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। अगर पुलिस ऑफिसर किसी और को लेके जा रहे हो तो उसका पैर पकड़ लिया, नहीं 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 इसे मत ले जाना, इसे मत ले जाना, तो आप वो आपको भी ले जाके सकते हैं कि आप उनकी ड्यूटी उनको परफॉर्म करने मत रोको मत। इफ अ पर्सन इज एस्केप्ड अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, अगर आपको कोर्ट में बुलाया गया है या फिर किसी भी कस्टडी में रखा है, आप वहां से भागने की कोशिश करो तो जहां भी पकड़े गए विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाओगे, ठीक है। पुलिस ऑफिसर लेके आए, जब तक पुलिस ऑफिसर कुछ कर रहे थे, कुछ रजिस्टर में लिख रहे थे, आप फिर भाग गए, तो अब पुलिस स्टेशन से आप भाग गए, तो आप जैसे ही भागे विदाउट वारंट आपको पकड़ा जाएगा। अ डेजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप आर्मी में हो और आप वहां से भाग गए हो,
ठीक है, तो भी आप कहीं पे भी होगे विदाउट वारंट आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो आर्म फोर्स मतलब आर्मी वाला पर्सन अगर भाग जाते हैं। अब रिलीज्ड कन्विक्ट ऑन द ब्रीच ऑफ एनी रूल्स इम्पोज्ड ऑन हिम। जब देखो यहां क्या बोल रहा है, रिलीज्ड कन्विक्ट, कन्विक्ट यानी बच्चों जो जेल में था उसको आपने रिलीज किया, बेल दी। ठीक है, बेल देते टाइम कुछ रूल्स बोल दिया कि सुनो जबलपुर से बाहर मत जाना, इस सिटी से बाहर मत जाना, इस एरिया में मत जाना, ऑल्सो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है अब। ठीक है, आपने क्या किया, वो रूल्स को ब्रेक कर दिया, वॉयलेट कर दिया, फिर से आप अरेस्ट हो जाओगे विदाउट वॉरंट। सेम पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, एन ऑफेंडर इसके जस्ट नीचे मतलब एक छोड़ के, एन ऑफेंडर हैज बीन रिलीज बाय द कोर्ट बट ऑफेंडर डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब जब कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया उसमें उसको बोला कि ठीक है तुमको मैं रिलीज करता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अब उस प्रॉपर्टी में तुम्हें एंटर नहीं होना है, अब तुम्हें उनका पूरा सामान वापस कर देना है। ये सारी चीजें क्या थी, कोर्ट के ऑर्डर में थी, आपने वो चीजें फुलफिल नहीं की, तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको अरेस्ट करेगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को ही बोला जाएगा ध्यान देना वो प्रॉपर्टी में एंटर नहीं हो रहे, ध्यान देना वो उनका सामान सारा लौटा रहे, तो अब वो अगर नहीं वो काम करेंगे तो उनको भी हम क्या बोल देंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो पहला है जब खुद आप डिटेन थे, आप कन्विक्टेड थे और आपको रिलीज किया गया, आपने वो रूल्स ब्रेक किए, और दूसरा है जब कोर्ट ने आपको रिलीज किया, ये डिफरेंस है उनका। ठीक है, अब वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम हर जगह देख रहे हैं इसके लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, ऐसे प्रिपरेशन भी करोगे तो भी, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर आपने कोई प्लानिंग भी करी है या कोई अटेम्प्ट भी किया है तो आप बिना वारंट के अरेस्ट होगे। इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एन एक्ट आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड हैव अमाउंटेड टू ऑफेंस एंड पनिशेबल इन इंडिया, मतलब अगर ऐसा कोई काम जो आपने इंडिया के बाहर किया है जो कि इंडिया में ऑफेंस है और आप वो करते हुए इंडिया आ गए तो हमारे यहाँ पर ऑफेंस है ना, हम आपको पकड़ लेंगे। जैसे विजय माल्या है, अब वो बाहर चले गए, लंदन में ऐसा कोई रूल लॉ नहीं है इसलिए वहां जाके लोग छुप जाते हैं, वहां ऐसा बोलते हैं आपकी कंट्री में था हमारी कंट्री में नहीं, आके बस जाओ। इसलिए अगर वहीं का कोई बंदा ऐसा ऑफेंस करके इंडिया में आता और इंडिया में हम उसको ऑफेंस बोलते हैं तो हम उसे पकड़ लेंगे विदाउट वारंट। ठीक है, If a requisition is received, whether written or oral, from any other police officer, क्या लिखा है बच्चों? Requisition मतलब हमारे एरिया में किसी ने ऑफेंस किया है, ठीक है, और करके भाग गया है दूसरे स्टेट, ठीक है, अब मैं हमारे यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें रिक्वेस्ट भेजा है, रिक्विजिशन भेजा है, रिटन में एक ऑर्डर भेजा है, रिटन में एक लेटर भेजा है, किसको, महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर्स को, तो वहां वो बिना वारंट के उसको पकड़ सकते हैं। तो किसने रिक्वेस्ट किया है, यहाँ मध्य प्रदेश के पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के पुलिस ऑफिसर ने महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर, क्योंकि ऑफेंस कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में, तो अब वहां पे अगर उनके पास एक रिक्वेजिशन भी है ना तो बिना वारंट के वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। द रिक्वेजिशन टू स्टेट द एग्जैक्ट पर्सन टू बी अरेस्टेड अलॉन्ग विद द ऑफेंस ही हैज कमिटेड। मूवीज में देखा है एक जगह चेकिंग चल रही है और जैसे ही चेकिंग होने ही जा रही होती है और वो भाग जाते हैं, वो तुरंत आगे वाले चेकर को जो पुलिस ऑफिसर से फोन करते कि ये गाड़ी नंबर आएगी रोक लेना, वही चीज हो रही है। तो ये दूसरे स्टेट में हो जाए या फिर सेम सिटी में हो जाए, सेम दूसरी सिटीज में हो जाए, तो आपने एक रिटन में एग्जैक्ट पर्सन की डिटेल्स दे दी है कि इसको अरेस्ट करना है, तो वो ऑफिसर बिना कुछ सोचे समझे हाँ रिक्विजिशन आया है विदाउट वारंट हम अरेस्ट करेंगे। चलो बच्चों याद करने की कोशिश करो, सेक्शन 41 में बोलते हैं विदाउट वारंट एक पर्सन अरेस्ट हो सकता है, कौन कौन सा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पहला कौन सा हो गया कॉग्निजेबल, दूसरा कौन सा हो गया प्रोक्लेम्ड, तीसरा हाउस ब्रेकिंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया कॉग्निजेबल, दूसरा हाउस ब्रेकिंग, तीसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, फिर स्टीलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो हाउस ब्रेकिंग और स्टीलिंग ऑफ प्रॉपर्टी वन ऑफ द सेम थिंग हो गई, उसके बाद फिर आपने क्या किया कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है आप, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन हिज ड्यूटी, अब पुलिस ऑफिसर को छेड़ोगे तो वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेंगे। अब इफ अ पर्सन इज एस्केप्ड फ्रॉम अ कस्टडी, उसके बाद अ डिसर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्स, दोनों सिमिलर चीज है, एक आर्म्ड फोर्स में दिया और एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए दिया, उसके बाद रिलीज ऑफ अ कन्विक्ट, और फिर उसके बाद उसको बोला गया है कि रूल्स आप पे इम्पोज होते हैं और वो चीजें वो नहीं फॉलो कर रहा है, ऐसी कोर्ट ने आपको रिलीज किया है और कुछ ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाओगे। इसके बीच में एक पॉइंट है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद अगर कोई ऑफेंडर है, अगर कोई पर्सन
आउटसाइड इंडिया ऑफेंस करता है और इंडिया में आके करता है, और इंडिया में अगर वो ऑफेंस है तो विदाउट वारंट आप अरेस्ट हो जाओगे, और अगर रिक्विजिशन ऑफ पुलिस ऑफिसर अदर पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, विदाउट वारंट वहां पे वो बंदा अरेस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट्स याद करना इजी है, अगर तुमने 5 मार्क्स में सारे पॉइंट्स कर लिए तो तुम्हें इजिली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 41। चलो बुक खोलो। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ क्राइम, फिर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ये सारे क्वेश्चंस हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मेंसरिया के टाइप्स, मेंसरिया के एक्सेप्शंस, उसके बाद हमने देखा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल का डिफरेंस, और फिर हमने देखा कि ये क्रिमिनल कोड्स के क्या पार है, कितने सेंटेंसेस वो दे सकते हैं, फिर हमने पढ़ा अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है,